छत्तीसगढ़ का भूगोल बदला, राजनीति बदली, सरकार बदली, लेकिन नहीं बदला तो प्रदेश के जंगलों का हाल, या कहे तो इस जंगल शब्द के साथ ही जंगल राज हावी हो जाता है। बस्तर अबुझमाड़ के आदिवासी जो नक्सल और पुलिस के बीच दशकों से पीस रहे हैं, पुलिस इन्हें नक्सली समर्थक बताकर मारती है और नक्सली पुलिस का मुखबिर कहकर। अब दंतेवाड़ा में घटी इस घटना को ही देख लीजिए, जहां दंतेवाड़ा और सुकमा पुलिस काकारी नहाड़ी क्षेत्र में गश्त पर निकली थी। इस दौरान उस क्षेत्र में जवानों पर स्कूली छात्रों और ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की खबर सामने आ रही है। गांव वालों को मारा पीट किया सर, और टमाटर और खाना वाना सब निकल निकल खाए, पैसा वैसा भी ले गए। मेरे को यहाँ गला में पकड़ के घुमा घुमा के मारे सर, फूस फूस के मारे। तू का भग रही थी? मैं तो यही थी कि नहीं भागी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा फूस फूस के मारे सर। कल जो पुलिस आ गई थी गांव में, जो यहाँ पर बहुत ही लोगों को मारा पीट हो गया और मेरी माँ को मारे सर। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने आरोप लगाया है कि सुकमा डीआरजी के जवानों ने गांव में आकर नक्सलियों के पतासाजी के बहाने गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के साथ मारपीट की और साथ ही साथ गांव में लूटपाट भी की। वहीं पुलिस ने मामले को नक्सल प्रायोजित बताया। अट्टी वाले भी आए थे, गांधार वाले आए थे, एकदम मारपीट किए। औरत मन को भी क्या, उन लोग जानवर है क्या? जानवर जैसे एकदम से विकट है, एकदम वो हथियार पकड़े जैसा उन लोगों को भी भगाए, मैंने भगा भगा के मारे हैं औरत लोगों को भी। जी सुबह उठ के ब्रश करके खाना खा रहा था सर, अचानक सीआरपीएफ वाले पहुंच गए, तो उसके बाद मुर्गा हम लोग बांधे थे सर घर में, तो मैं बोला सर ऐसा मत करो। बोले तो क्यों मुंह लड़ा रहा है वे? बोल के मेरे को 4 डंडा दिए और कान के नीचे भी दिए सर। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दंतेवाड़ा और बीजापुर SP ने बयान दिया कि ग्रामीणों द्वारा जवानों पर लगाया गया आरोप नक्सल प्रायोजित है। सुनिए। सुकमा और दंतेवाड़ा पुलिस का जो नक्सलियों के हार्डकोर एरिया नहारी, ककारी, मुलेट, गुगुंडा में ऑपरेशन चला, जिसमें कि हमने एक इनामी नक्सली को पकड़ने में सफलता हमें हासिल हुई। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 7 बजे DRG सुकमा के साथ एक प्रेशर IED फटा, जिसमें कि पैरों में और आंखों में चोटें आई। पुलिस ने 3 बार नक्सलियों के साथ फायरिंग भी हुई 2 दिनों के अंदर, जिसमें कि नक्सली जंगल का और ग्रामीणों का सहारा उठाकर भाग खड़े हुए। क्योंकि लगातार पुलिस जो है पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे नक्सलियों के डेरे तक पहुंच रही है, उनको पकड़ रही है, उनकी भारी मात्रा में सामान पकड़ रही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट है नक्सलियों के अंदर, इसीलिए ग्रामीणों पर शक कर रहे हैं। और हो सकता है ग्रामीणों के साथ नक्सलियों ने मार पिटाई की होगी। हमारे ये भी खबर आ रही है कि कुछ नक्सली अपने प्रेफर आईडी की चपेट में आके घायल भी हुए हैं, क्योंकि उनके कमांडर घायल हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो हताशावश इस तरह के वो काम कर रहे हैं। किसी भी ग्रामीण के साथ यदि मारपीट की बात सामने आती है तो रणपुर थाने आ सकते हैं, रिपोर्ट लिखा सकते हैं, उनका मुलाइजा कराया जाएगा और जो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।